जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह, क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और एक अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है, और ये है लेक एरी। जो लेक एरी के बारे में बात करना है, और ये लेक एरी है जो कनाडा और यूएसए में जो के आसपास जो बॉर्डर पर फाइव ग्रेट लेक्स है उसमें से एक फोर्थ लार्जेस्ट लेक है। तो चलिए हम थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये लेक है। यहाँ पर ये आपका सुपीरियर बना दिया मैंने, यहाँ पर ह्यूरॉन बना दिया, यहाँ पर ये एरी बना दिया, और यहाँ पे ओंटारियो बना दिया, और यहाँ पर मिशिगन। तो ये सुपीरियर लेक है, दिस इज ह्यूरॉन लेक है, और ये आपका एरी लेक है, और ये ओंटारियो लेक है। उसके आगे रिवर जाती है, कल सेंट लॉरेंस रिवर जाती है बढ़ के। तो इसमें से सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर लेक ह्यूरॉन लेक। तो जैसे आप सुपीरियर ह्यूरॉन को कैसे याद करेंगे कि हम सुपर हीरो है भारत का, एवरी बॉयज ऑफ इंडिया इज अ सुपर हीरो, सुपीरियर ह्यूरॉन सुपर हीरो है। और हमारे यहाँ एक सुपर हीरो शाहरुख खान भी है जो कक कक रन करके हकलाता है। तो सुपर हीरो क्या बोल रहा है, एरी ओंटारियो। अरे 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 ओ ओ ओ, अरे अरे से एरी हो गया, ओ ओ से ओंटारियो हो गया। सुपीरियर ह्यूरॉन एरी ओंटारियो, और ये लेक जो आपका मिशिगन है। तो यहां से जो आप सुपीरियर ह्यूरॉन, सुपीरियर आप ह्यूरॉन एरी ओंटारियो आप जो देख रहे हैं, ये फाइव जो फोर लेक्स है जो यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पे शेयर किया जाता है, और मिशिगन लेक है जो कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये आपने देख लिया। अभी लेक एरी जो है न्यूज में है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूरॉन रिवर भी कैसे मिलता है, और एक डेट्रॉयट रिवर भी है, ह्यूरॉन है डेट्रॉयट रिवर है, इस लेक में पानी देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक माइक्रोसिस्टिक नामक यहाँ पर क्या हो गया, टॉक्सिसिटी मिल गया किसी बैक्टीरिया की वजह से, और इसके वजह से जो भी लोग इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग, कोई भी इसके कॉन्टेक्ट में आता है, इस पानी के कॉन्टेक्ट में, तो बीमार होने लग जाते हैं, दे बिकम सिक। तो इसके बारे में देखते हैं व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो व्हाई इट इज इन द न्यूज, द रिसर्च हैज शोन दैट टॉक्सिन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोसिस्टिन कैन मेक एनिमल्स एंड पीपल सिक व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड वाटर ऑफ द लेक एरी। जब भी लेक एरी के कॉन्टेक्ट में आपको आएगा तो यहाँ पे लोग सिक हो जाएंगे, चाहे एनिमल हो चाहे पीपल हो, और यहाँ पर एक बैक्टीरिया की वजह से इसमें टॉक्सिसिटी आ गया है। अब जानते हैं कि व्हाट इज अबाउट द लेक एरी, लेक एरी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अबाउट द लेक एरी, लेक एरी, लेक एरी इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द फाइव ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। ये फोर्थ नंबर पर है आता है ये लेक जो है, इट इज कमिंग एट द फोर्थ नंबर, फोर्थ लार्जेस्ट, एंड द लेक्स serves as a natural boundary between Canada and to the north and the United States to the west and south east. तो इधर आप north में देखेंगे, इस side जो है ये आपका Canada है। What is this? ये आपका Canada है, Ontario state, Canada आपका, ये Ontario state है, मतलब जैसे बहुत सारे state होते हैं, और ये इसके इधर ये आप इस side west में USA है, south में USA है, east में USA है। तो ये तो आपने देख लिया कि कनाडा जो एरी लेक के नॉर्थ में कनाडा है, वो ओंटारियो स्टेट है, और ओंटारियो लेक भी यहाँ पे उस समय देख रहे हैं आप। और साथ में जो एरी के साउथ में जाएंगे और एरी के ईस्ट में जाएंगे, एरी के वेस्ट में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, यूएसए है। तो उसी के बारे में बताया गया, द लेक सर्व्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड जो कनाडा में ओंटारियो है टू द नॉर्थ, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो वेस्ट साउथ ईस्ट में। हमने देखेंगे इट्स मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स इंक्लूड द डेट्रॉयट रिवर, एक आती है विच कैरीज वाटर फ्रॉम द लेक ह्यूरॉन। डेट्रॉयट रिवर जो है ह्यूरॉन से एक पानी लेकर आती है, ह्यूरॉन लेक से, तो दिख रहा है आपको ह्यूरॉन रिवर है यहाँ से, डेट्रॉयट यहाँ से लेकर पानी आ रहा है। हाँ, एंड साथ में एक और दूसरी रिवर ह्यूरॉन रिवर भी है, एंड रेजिन रिवर फ्रॉम द मिशिगन। ह्यूरॉन रिवर और रेजिन रिवर कहाँ से आ रहे हैं, मिशिगन से, दे आर कमिंग फ्रॉम द मिशिगन। तो ये पानी इसमें दे रहे हैं किसमें, लेक एरी में। और देखा जाए तो एट इट्स ईस्टर्न एंड लेक एरी ड्रेन्ड इनटू नियाग्रा रिवर, और यहाँ पे एक छोटा सा नियाग्रा रिवर है, नियाग्रा फॉल भी है, यहाँ पे पानी इसमें जाता है। इसके बाद
ये वाटर लेक ओंटारियो से होते हुए सेंट लॉरेंस रिवर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे नियाग्रा रिवर है और नियाग्रा फॉल के बारे में आपने कभी सुना हो तो ये चीज आपने देखा। दिस लेक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लॉरेंस सीवे विच इज अ सिग्निफिकेंट फॉर नेविगेशन एंड ट्रेड। तो यहां से सेंट लॉरेंस रिवर जा रहा है तो सी वे के लिए सुपीरियर हुरॉन एरी ओंटारियो, और आप जानते हैं कि वाटरवे जो सबसे चीपेस्ट वाटरवे होता है, वाटरवे का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कॉस्ट बहुत। यदि आप सपोज करिए कि आप रोडवे से 30 रुपए दे रहे हैं किसी चीज को ले जाने में, आपको वही लगभग वाटरवे से आपको 1 रुपए लगेगा। तो आप सोच सकते हो 30 गुना कम और सस्ता होता है। इसीलिए वाटरवे सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है किसी चीज को ले जाने में। और ये सुपीरियर हुरॉन एरी ओंटारियो और ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये सेंट लॉरेंस रिवर ये सब आपस में बेस्ट वाटरवे बनाते हैं। तो दिस लेक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वाटर लॉरेंस सीवे विच इज सिग्निफिकेंट फॉर ए नेविगेशन एंड ट्रेड। देखते हैं व्हाट इज माइक्रोसिस्टिन। माइक्रोसिस्टिन क्या है? माइक्रोसिस्टिन इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल सेल्ड फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया। एक साइनोबैक्टीरिया है सिंगल सेल का, सिंगल कोशिका का होता है, और वो जो टॉक्सिन छोड़ता है उसको बोलते हैं माइक्रोसिस्टिन। एंड दैट ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया फॉर्म्स अ कॉलोनीज एनवेलप्ड इन द म्यूसिलेज, मतलब एक गोला सा गत्था सा पिलपिला सा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया अपना क्या करेगा, कॉलोनी बनाता है। और द जेनस माइक्रोसिस्टिस इंक्लूड्स सेवरल स्पेसिस नन फॉर क्रिएटिंग एक्सटेंसिव ब्लूम्स दैट रिलीज टॉक्सिन्स। और माइक्रोसिस्टिस भी एक अपना क्या है, एक जेनेटिक आपका एक प्रकार का अल्गी का रूप है जो कि बहुत सारे ब्लूम क्रिएट करता है, अल्गी बनाता है, और वो अल्गी भी क्या टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो माइक्रोसिस्टिन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोटेंट लीवर टॉक्सिन, लीवर के लिए आपका टॉक्सिन है, हमारे शरीर के लीवर के टॉक्सिन है, एंड ए पोटेंशियल कार्सिनोजीन फॉर ह्यूमंस। तो लीवर के लिए खराब है और हमारे शरीर में कैंसरस जैसी बीमारियों को ला सकता है ये माइक्रोसिस्टिन टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन disrupts essential cellular function, हमारे सब cellular function को खराब कर देगा by inhibiting protein phosphatase 1 and protein phosphatase 2A को रोक देगा, और इससे leading to the breakdown of the cytoskeleton, मतलब कि जो cyto word आता है cells के लिए होता है, तो cell को मार देता है और resulting into the cell death, और cell मरने लग जाता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे कुछ सेल अनवांटेड ग्रो होंगे, कैंसरस में भी कन्वर्ट होने लग जाते हैं, लीवर को खराब कर देगा, ह्यूमन बींग को मार सकता है।